हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय होम एंड किचन टिप्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पेंसिल के कई इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। वैसे तो पेंसिल का इस्तेमाल होता है लिखने के लिए या फिर ड्राइंग बनाने के लिए, बट आज के वीडियो में मैं आपको घर के कुछ कामों को सॉल्व करने के लिए पेंसिल का यूज बताने जा रही हूँ। साथ ही आप इससे कुछ नई चीज़ें भी बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको पेंसिल्स का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बनाने का तरीका भी बताऊँगी, जिसमें आप कलर पेंसिल का यूज कर सकते हैं या जो नॉर्मल पेंसिल होती हैं ब्लैक उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा पेंसिल शार्प करने के बाद छोटी हो जाती हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है, तो उनके इस्तेमाल भी बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला इस्तेमाल। बेडशीट बिछाने के बाद उसकी साइड्स को ठीक करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम उसे हाथ से ठीक करते हैं तो उतनी फिनिशिंग भी नहीं आती और हाथ में कुछ चुभने का डर भी रहता है, तो इस तरह से आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सेंटर से और एक साइड ले जाइए और इसी तरह से आपने दूसरी साइड में भी पेंसिल को चलाना है, तो कितनी फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप, ठीक हो गई है। तो जब भी आप मॉर्निंग में बेडशीट ठीक करते हैं तो इस तरह से पेंसिल का यूज कर सकते हैं, पेन का भी यूज कर सकते हैं, और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंघे का भी यूज कर सकते हैं आप इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बेडशीट को ठीक कर दिया। आप चारों कॉर्नर पर इसी तरह से बेडशीट को ठीक कर सकते हैं पेंसिल की हेल्प से। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके लिए कितनी यूजफुल है ये ट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं और पेंसिल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो रबर बैंड है मीडियम साइज़ के, और ये एक मीडियम साइज़ का मेरे पास कंटेनर है, इसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड को लगाया है मैंने, दो रबर बैंड्स मैंने यूज किए हैं। और उसके बाद आपने पेंसिल को इस तरह से सेट करना है, इसके चारों तरफ पेंसिल को शार्प कर लीजिए और उसके बाद जो इसका तला है उस साइड से ओपन साइड की तरफ आपने इस तरह से पेंसिल्स को निकालना है। एक मिनट के अंदर आप इसे तैयार कर लेंगे इस तरीके से। सारी पेंसिल्स इसके चारों तरफ लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। और इस तरह से बनाकर आप इसे बच्चों के रूम में रख सकते हैं, स्टडी टेबल पर आप इसे रख दीजिए और उसके बाद बड़ी आसानी से बच्चे पेंसिल्स का यूज कर पाएंगे अगर आप इस तरह से सेट करके ऑर्गेनाइज करके पेंसिल्स उन्हें देंगे तो। और ये जो कंटेनर है इसमें बाकी सामान इरेजर शॉर्पनर और टेप वगैरह डाला जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से निकाला जा सकता है, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। और देखिए पेंसिल का यूज कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो भी पेंसिल आपको चाहिए इसमें से निकालिए और यूज होने के बाद आप वापस से उसे लगा सकते हैं इसी कंटेनर के अंदर, तो चारों तरफ पेंसिल्स बिखरी भी नहीं रहेंगी और आसानी से आपको जिस कलर की पेंसिल चाहिए वो मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरह की पेंसिल्स को लगाया हुआ है, दोनों तरह की पेंसिल्स मैंने इसमें लगाई हुई हैं। एक साइड मैंने नॉर्मल पेंसिल लगाई है जिसका मैंने ड्रॉ करने के लिए यूज किया था, और उसके बाद कलर पेंसिल्स का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से पेंसिल्स को एक जगह एक ही कंटेनर में लगा कर रखा जा सकता है और इस तरह से काफ़ी आसानी होती है पेंसिल्स का इस्तेमाल करने में। बच्चों के अलावा आप भी अगर कुछ ऐसा काम करती हैं जिसमें आपको पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग वगैरह का, तो आपको भी उसमें ड्रेस वगैरह ड्रॉ करनी होती होंगी, तो आप इस तरह से पेंसिल्स को अरेंज करके रख सकते हैं कंटेनर के साथ साथ। अब मैंने ऊन का एक छोटा सा पीस लिया है और इसको पेंसिल के कोने पर इस तरह से बांध दिया है। अब मैं बड़ा पीस ले रही हूँ ऊन का और इस तरह से इसके किनारे को ऊपर की तरफ रखते हुए पेंसिल के ऊपर इसे लपेटना है इस तरीके से। तो आप आधी पेंसिल को कवर कर सकते हैं इस तरीके से, और ऐसा करके हम एक वूल का फ्लावर बनाने जा रहे हैं जिसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए मैंने इसे लपेट लिया है और उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना है, और जिसमें नॉट लगाई थी हमने धागे में उसको भी ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है। इस तरह से इन दोनों में नॉट लगानी है ताकि फ्लावर बन सके, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको कट करके पहले सेपरेट कर देंगे
और इस तरह से नॉट लगानी है इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से। और इसको कट कर लेते हैं पहले तरीके से, पकड़ कर इसे और बाहर निकाल दीजिए। पेंसिल से बाहर निकालने के बाद आप इसको नॉट लगा दें टाइट इस तरीके से। एक या दो नॉट आप इसमें लगा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको कट कर लीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से हमने फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आप इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं और कई तरीके से इन्हें यूज किया जा सकता है। आप इन्हें स्वेटर के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिस भी कलर के ऊन का आपने स्वेटर बनाया है उसी कलर के इस तरह के फ्लावर्स तैयार कर लीजिए और आप इस तरह से सेट कर सकते हैं स्वेटर के ऊपर। तो एक सिंपल से स्वेटर को भी बहुत अच्छा डिजाइनर सा लुक मिल जाएगा। कुछ मोती वगैरह लगा दीजिए, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दीजिए और बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं आप इस तरह के फ्लावर्स बना करके। वूलन्स के अलावा अगर आप किसी कपड़े पर कढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के फ्लावर्स का यूज किया जा सकता है। आप कुछ टहनियाँ और कुछ लीव्स बना लीजिए और उसमें आप फ्लावर्स की जगह इन फ्लावर्स को लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक निकल कर आता है। मैंने यहाँ पर एक खाली कंटेनर लिया है और उसके नाप का मैंने एक पेपर कट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया है और इसके ऊपर इसे इस तरह से पेस्ट करना है, पूरा कवर करना है इसे चारों तरफ से। और ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कट कर देती हूँ। जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर पेंसिल्स चिपकाने जा रही हूँ तो एक साइड में पहले अच्छे से ग्लू लगा दूँगी। आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। और ग्लू लगा दिया है मैंने और ग्लू के ऊपर मैं इस तरह से पेंसिल्स को पेस्ट कर रही हूँ। और ये वो पेंसिल्स हैं जो कि छोटी हो जाती हैं और बच्चे इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और इन्हें फेंक दिया जाता है, तो इन्हीं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं ये पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पेस्ट करना है डिब्बे के ऊपर। इसे खड़ा करके चेक कर लें, पेंसिल को ठीक से पेस्ट करें, कोई भी पेंसिल तले से नीचे की तरफ निकली ना हो, अदरवाइज इसे खड़ा करने में दिक्कत होगी, तो आप चेक करते जाएं। ये देखिए मैंने सारी पेंसिल्स चिपका दी हैं इसके चारों तरफ और जो ऊपर का हिस्सा बचा है आप उसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लेस का बचा हुआ पीस लगा रही हूँ इसके ऊपरी हिस्से को कवर करने के लिए। आपके पास कुछ भी सामान है डेकोरेशन का तो आप उसे अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं ऊपर का हिस्सा कवर करने के लिए। साथ ही मेरे पास कुछ मिरर्स के पीसेस भी हैं तो इनको भी मैं बचे हुए हिस्से में लगा दूंगी। ग्लू लगा देती हूँ पहले और इनको भी मैंने पेस्ट कर दिया है। और इस तरह से एक पेंसिल होल्डर बनकर तैयार हो गया है, वो भी वेस्ट पेंसिल्स का इस्तेमाल करके, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पेंसिल होल्डर पेंसिल्स की मदद से बनाया हुआ। तो इस तरह से पेंसिल होल्डर बनाना काफ़ी आसान है। मार्केट से पेंसिल होल्डर्स परचेज करने के बजाय आप घर में वेस्ट सामान से इस तरह के सुंदर पेंसिल होल्डर्स तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी इन्हें बना सकते हैं अगर आप बच्चों को गाइड करेंगे तो। ये एक बैंगल होल्डर है जिसे ब्रेसलेट होल्डर या फिर ज्वेलरी होल्डर की तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे भी मैंने पेंसिल की हेल्प से बनाया था। और ये वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया था। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखें और एंड स्क्रीन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो आप ब्रेसलेट होल्डर बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। इसे भी मैंने पेंसिल की हेल्प से ही बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल्स और एक बास्केट रखी है, साथ में कुछ प्लेट्स रखी हैं। तो पेंसिल और बास्केट का इस्तेमाल करके मैंने एक प्लेट होल्डर बनाने का तरीका भी कुछ दिनों पहले शेयर किया था, तो हो सकता है आपने वॉच किया हो। तो मेरे चैनल के आप रेगुलर विजिटर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जब ये वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन में आपको प्लेट होल्डर बनाने का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके प्लेट होल्डर बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसे किचन में यूज कर सकते हैं और काफ़ी सारी प्लेट्स आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया है आपको पेंसिल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं घर के अन्य कामों में। और इनके अलावा आपको भी कुछ
आइडियाज पता है जहाँ पर हम पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि वो दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।